Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है आज जो हमारा फिजिक्स का चल रहा है, फिजिक्स में आज हम लोग सवाल पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल हमने बता दिया था, अगर आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जैसा कि हमने कहा है कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। कम से कम 40-50 बच्चे तो देखने ही चाहिए। तो मैं पुराना वीडियो एनालिसिस कर रहा था कल शाम को, तो अगर आप लोग देख नहीं रहे तो फिर हमारा वीडियो बनाने क्या मतलब रहेगा। तो ये मेरा आज का आखिरी वीडियो रहेगा, ठीक। इसके बाद जो है क्लास 10th की मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। जब तक आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक जो है वीडियो हम नहीं डालेंगे। तो चलते हैं, आज हम अपना अगला देखते हैं जो सवाल है। सवाल के लिए आपको केवल यह ही इतनी चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगर अवतल दर्पण है, भाई मैंने कल समझाया था कि दो दर्पण होते हैं हमारे पास, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए जो U का मान होता है, U का मान हमेशा माइनस में रहेगा, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल हो, ठीक। U हमारा क्या है, U कहते हैं वस्तु की दूरी को। किसको? वस्तु की दूरी को U कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, और जो फोकस हमारा रहता है फोकस दूरी को F कहते हैं, और जो आवर्धन रहता है आवर्धन को M से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक चार्ट मैंने बना दिया है कि अगर कहीं कहेगा कि एक वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 सेंटीमीटर हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, वस्तु का मान दिया गया। क्योंकि कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो रखी है 15 सेंटीमीटर पर रखी है, इसका मतलब कि U का मान हमको 15 दिया गया है। अब वो प्लस होगा या माइनस होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि जो हमारा दर्पण है वो उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है। उसी के बाद अगर कहता है कि जैसे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब हमारा 5 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब जो बनता है उसे भी से। तो अगर कह रहा है कि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो जो ये 20 दिया गया है ये हमको V का मान दिया गया है। और अगर कहते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी इतनी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो जो यह बराबर दिया गया है वो हमको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब वो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्लस होगा कि माइनस, ये अवतल या उत्तल। तो चलते हैं, आपके किताब का जो है पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी दिया गया है यानी कि यह बराबर दिया गया है 46 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा ये चीज देखेंगे कि दर्पण कौन सा है। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए जो हमारा यफ का मान होता है क्या होता है, प्लस में होता है, अर्थात यफ बराबर प्लस 46 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए आर बराबर वार। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने जो है जो दूसरा पार्ट बनाया था उसमें हमने बताया था दर्पण की परिभाषा, तो परिभाषा में एक परिभाषा हमने वक्रता त्रिज्या की भी बताई थी कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है ना, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 2 गुणे फोकस दूरी की होती है। तो इसका मतलब R बराबर 2 गुणे फोकस दूरी कितनी है हमारी, फोकस दूरी है 46 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 46, तो 2 गुणे 46 का मतलब क्या हुआ, 2 × 12 की 2 हंसी लगे 1, 2 × 4 = 9, यानी कि 92 सेंटीमीटर। तो जो हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 92 सेंटीमीटर, ठीक, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें कुछ है नहीं, केवल हमको ये देखना है कि क्या चीज दिया गया है और सूत्र क्या होता है। तो हमने बताया था कि R बराबर 2 × F होता है, तो 2 × F का मान 46 था, तो 2 × 46 कर दिए। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण
दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, एक मिनट रुक जाइएगा, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं दिया क्या है। कह रहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु, क्या रखी है, वस्तु रखी है, इसका मतलब क्या दिए हैं, यू दिए हैं, कितना 30 सेंटीमीटर। अब यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा ये चीज ये बताएगा कि हमारा दर्पण कौन सा है। तो कह रहा है अवतल दर्पण, तो हमने बताया है कि यू का मान हमेशा माइनस में रहेगा, चाहे दर्पण आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो यू बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 3 गुना बड़ा व आभासी, 3 गुना बड़ा, तो हमने बताया था कि अगर आपको बड़ा मिल जाए, छोटा मिल जाए, गुना मिल जाए, तो ये चीज हमको दिया गया है क्या, आवर्धन दिया गया है। ठीक, तो आवर्धन दिया गया है 3 गुना बड़ा, यानी कि 3 दिया गया है, लेकिन उसी में आगे लिखा है आभासी, तो अगर आभासी लिखा है तो जान लीजिए कि प्लस में रहेगा, आवर्धन क्या रहेगा, प्लस में। तो चूंकि हमको पता है कि यम बराबर क्या होता है, देखिए लिखा है यम बराबर वी अपान यू बराबर 3 या फिर वी बराबर 3 यू, 3 और इंटू यू, यू का मान कितना, माइनस 30, तो 30 यही 90, माइनस 90 सेंटीमीटर। तो यू का मान मिल गया, वी का मान मिल गया। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी का मतलब यफ बराबर पाई, यफ का मान हमको निकालना है। तो हमको फार्मूला पता है कि 1 अपान यफ बराबर 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू, यफ का मान निकालना है, इसको ऐसे उतार देंगे बराबर है बराबर 1 अपान भी, भी का मान कितना है देखिए माइनस 90, माइनस 90 हो गया, प्लस 1 अपान यू, यू का मान कितना है माइनस 30, या फिर ये हो जाएगा 1 अपान यफ बराबर माइनस 1 अपान 90 प्लस माइनस माइनस 1 अपान 30, 1 अपान यफ बराबर, अब इसमें हमको लघुत्तम लेना है, 30 और 90 में जब लघुत्तम लेंगे तो 90 हमारा लघुत्तम हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा माइनस 1 और प्लस 30 यानी 90। ठीक, तो ये हो जाएगा, या फिर 1 अपान यफ बराबर माइनस 4 बटे 90, तो इसके आगे हम यहां लगा देते हैं, तो 1 अपान यफ बराबर माइनस 4 बटे 90, तो या फिर यफ बराबर 90 बटे 4, तो यफ बराबर, अब इसको भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8 2 10, ठीक, 4 दूनी 8 1 9 10 और 4 दूनी 8 2 10 दशमलव, फिर 4 5 20, यानी कि जो हमारी फोकस दूरी आ गई, फोकस दूरी क्या हो जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि केवल इतना याद रखना है कि हमको दिया क्या गया है, अगर आपको गुना अधिक बड़ा ये सब शब्द मिल जाए तो जान लीजिएगा कि यम का मान दिया गया है, और अगर आभासी कह रहा है तो आभासी के लिए यम का मान प्लस में रहेगा, वास्तविक के लिए यम का मान माइनस में रहेगा, तो वही चीज यानी कि यम बराबर प्लस 3 दिया गया है, और हमको पता है कि यम बराबर होता है वी अपान यू, तो v अपान यू बराबर 3, तिरछा गुणा कर दिए v बराबर 3u। अब हमको f का मान निकालना था, तो हमारे पास एक फार्मूला था कि 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u, तो जब इसमें मान रख दिए तो हमको v का मान दिया गया था, u का मान दिया गया था, v और u का मान रख के हम f का मान निकाल लिए, आ गया 22.5 सेंटीमीटर। इसी नियम की एक सवाल देख लीजिए, इसी नियम का एक प्रश्न और देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से, समझिएगा, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो फिर से चलते हैं, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण
एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अगर वस्तु रखी है तो U का मान दिया गया है और अवतल दर्पण है यानी कि U का मान हमेशा माइनस में रहता है। आगे चलते हैं, कह रहा है का तीन गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्राप्त होगा तो जैसा हमने बताया वो होगा, लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब कि यम बराबर तो तीन दिया गया है, क्योंकि गुना गुनी अगर ये सब शब्द मिल जाए तो जान लीजिए यम का मान दिया गया है, और अगर वास्तविक कहेगा तो माइनस में रहेगा। ठीक, तो यम का मान माइनस तीन यानी कि वी अपान यू बराबर माइनस तीन, तो वी बराबर माइनस थ्री यू, और माइनस थ्री इंटू यू का मान कितना है माइनस तीस, तो तीस यानी नब्बे। यम का मान माइनस तीन, V का मान 90, U का मान 30, F का मान हमको निकालना है। फार्मूला पता है 1 अपान F बराबर 1 अपान V प्लस 1 अपान U, तो 1 अपान F निकालना है, उतार देंगे 1 अपान V, V का मान कितना है 90, और प्लस 1 अपान U, U का मान कितना है माइनस 30। अब देखिए 1 अपान F बराबर 90, इसमें लघुत्तम ले लेंगे तो 1 और प्लस माइनस माइनस 30 यानी 90 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 1 अपान f बराबर माइनस 2 और बटे 90, या फिर यहां से f का मान जब निकालेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा, ये हो जाएगा 90 बटे 2 या फिर f बराबर माइनस 45 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कहीं अगर समस्या हो तो आप लोग बताइएगा, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग जो है इसको देखते